कौसीकला से बालाजी रवाना हुई पदयात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। कौसीकला शहर के गोमती सरोवर स्थित बालाजी मंदिर से हर वर्ष की भांति बालाजी बजरंग मंडल समिति के तत्वावधान में पदयात्रा मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के लिए रवाना हुई। नगर भ्रमण कर पूरे शहर में लोगों ने यात्रियों का फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। पूरा शहर बालाजी महाराज के जयघोष से गूंज उठा। गोमती सरोवर के किनारे स्थित बालाजी मंदिर के महंत कृष्ण मुरारी बाबा के सानिध्य में पुष्पा भारद्वाज, कपीश भारद्वाज ने ध्वज पूजा किया। पदयात्रा शहर के तालाब शाही, सराफा बाजार, मेन बाजार, भगवती मंदिर से होती हुई बालाजी के लिए प्रस्थान कर गई। मंदिर के महंत कृष्ण मुरारी भारद्वाज के नेतृत्व में रवाना हुई पदयात्रा पर लोगों ने पुष्पों की बरसात कर दी। बैंड बाजों द्वारा बज रहे कर्णप्रिय हनुमान जी की आराधना के भजनों पर हर कोई मस्ती में झूमता नजर आया। पदयात्रा 14 फरवरी को बालाजी पहुंचेगी। 15 फरवरी को वहां विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। इस दौरान प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष कमल किशोर वाशनीय, भाजपा नेता तरुण सेठ, सीमा रानी सेठ, धर्मवीर पत्रकार, पूर्व चेयरमैन भगवत प्रसाद रोहेला, नरेंद्र गुर्जर, योगेंद्र शर्मा, रामरी यदुवंशी, सत्यवीर सांगवान, विष्णु पंडित सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कौसीकला से मनीष गर्ग की रिपोर्ट। महंत बाबा श्री मुरारीदास जी महाराज जी के नेतृत्व में हर वर्ष की और माता जी के नेतृत्व में हर वर्ष की भांति 34वीं पदयात्रा महंत बालाजी मंदिर के लिए जा रही है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए जा रही है। और इस आप इसमें आप देख रहे हो शहर की हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे सभी इस यात्रा को क्या नाम है शुभकामना देने के लिए, पदयात्रा में साथ चलने के लिए पूरा शहर एकदम उमड़ पड़ा है स्वागत के लिए। और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में महाराज जी के साथ हर वर्ष की भांति पदयात्रा में लोग साथ जाएंगे। और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा से क्षेत्रवासियों पर और सभी लोगों पर हमेशा बना रहता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं सभी की मंगल कामना भी पूर्ण हो। और इसी के साथ साथ 14 तारीख का वहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन हर वर्ष की भांति मेहंदीपुर बालाजी में होता है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और महाराज जी के क्या नाम है कृपा से आशीर्वाद से यात्रा निश्चित रूप से सफल होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज मेहंदीपुर बालाजी यात्रा पदयात्रा यहाँ से कौसीकला के बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई है। बालाजी महाराज के मंदिर के मेहंदी जी के साथ में सैकड़ों की तादाद में यहाँ से पदयात्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए चल रहे हैं। और मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा 7 दिन की यात्रा है, मुझे पिछले कई वर्षों से और 34वीं यात्रा है जी। और विशाल भंडारे के साथ इस यात्रा का समापन होगा बालाजी मंदिर मेहंदीपुर बालाजी यात्रा है। और ये सप्त दिवसीय पदयात्रा होती है, 7 दिन की होती है, 6वें दिन मेहंदीपुर पहुँच जाते हैं। और बहुत दूर दराज से लोग वगैरह आते हैं और अपने सुख शांति के लिए यात्रा में जाते हैं, कष्ट खत्म होते हैं सारे और सब खुशी खुशी ही आते हैं, खुशी खुशी ही जाते हैं, किसी को किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता है। ये यात्रा कौन सी जा रही है? ये 34वीं यात्रा जा रही है, ये 7 दिन की है, 6वें दिन हम पहुँचेंगे। पहले दिन सुनहरा, दूसरे दिन शीशवाड़ा, तीसरे दिन रोनीजा, चौथे दिन खेडली, पाँचवें दिन महुआ और 6वें दिन मेहंदीपुर बालाजी और 7वें दिन विशाल भंडारा होता है जिसमें 4 से 5 हज़ार आदमियों का आगमन होता है। देखिए आज श्री कृष्ण की कौसीकली, कौसीकला में बालाजी मंदिर के महंत श्री मुरारी बाबू जी के नेतृत्व में और उनके धारणी के साथ 34वीं विशाल ब्रज यात्रा लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाई जा रही है, जिसमें सभी कौसीकला के लोगों ने उनकी जो विशाल पदयात्रा निकली है उसमें आए हैं। इसका जो दृश्य है वो देखते ही बनता है, पता चलता है कि लोगों का कितना आस्था और विश्वास है। सभी लोग वहाँ पर कितनी भजन कीर्तन के साथ पूरी कोसी में भ्रमण करते हुए निकले हैं। मैं सीमा रानी अपने पति के साथ, तरुण सेठ जी के साथ यहाँ पर इसका पार्ट बनी, इसका भाग बनी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी विशाल यात्रा में मैं निकली हूँ। सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ कि ब्रज यात्रा जा रही है।